हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन दार्जिलिंग बी कीपिंग। आप लोगों को स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं पहाड़ी मधुमक्खी एपिस सेरेना इंडिका के बारे में आप लोगों को वीडियो देता रहा हूँ। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। मेरे चैनल में पूरा 1K+ हो चुका है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बिना मेरा चैनल कभी 1K+ नहीं कर सकता। अभी तो 1K+ हो गया है, इसलिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट देते रहे, और जितने भी नया व्यूअर्स यदि ये वीडियो कोई देख रही हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों देख रही हो दोस्तों आज कि बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत क्या कहे, बहुत खुश भी हूँ, और क्योंकि 1K+ हो गया है आप लोगों का सपोर्ट से दोस्तों, तो बहुत खुश भी हूँ। और जो ये गांव देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे ये गांव, जो ये गांव में से अभी मेरे को एक फ़ोन आया। मेरे गांव यहाँ से सामने आगे मेरा गाँव है, और ये मेरा बगल का गाँव जो फुफसिरिंग 5 नंबर के कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अभी एक मेरा गांव का एक पंडित जी है, उसने मेरे को फ़ोन किया कि वहाँ पर कुछ मधुमक्खी है जिसे निकालने के लिए बात कर रहा था। तो अभी उसे कांटेक्ट किया मैं, तो उसने बुलाया है मेरे को। तो देखते हैं दोस्तों आज वहाँ पर जाके क्या कहाँ पर है मधुमक्खी, कैसा है। तो पूरा वीडियो पर बने रहे दोस्तों, और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप लोगों का सपोर्ट प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों आप लोगों को पता है आज मैं पैदल जा रहा हूँ क्योंकि उस रास्ते में मतलब गाड़ी बाइक में भी जा सकता हूँ, लेकिन रास्ता लंबा रहेगा, इसलिए मैं आज पैदल ही जा रहा हूँ। तो देखिए हाथ में लिया हूँ एक बक्से, और आज मैं आप लोगों को मेरे गांव का जो टी गार्डन है उसके थोड़ा बहुत विजुअल में आप लोगों को दिखाने वाला हूं दोस्तों। सो वीडियो को थोड़े इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और मेरे ये जगह कैसे है दोस्तों, कैसे लगा आप लोगों को ये यहां का जो टी गार्डन का व्यू, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारे गांव में इस तरीके के टी गार्डन है, जो देखिए ये सारे टी गार्डन है, और मेरे को उस गांव में पहुंचना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो अभी मैं आ पहुंचा हूँ यहाँ पर। देखिए जैसे कि ये गांव है एक, तो सिर्फ 5 नंबर करके कहते हैं इस गांव को। तो ये गांव में मैं अभी आ पहुंचा हूँ। तो ये मंदिर है, यहाँ पर आप देख सकते हो मंदिर का एक बक्से में, देखिए दोस्तों एक बक्से में, देखिए बक्से के अंदर मधुमक्खी घुस गया है पूरा। ये देखिए मंदिर के बक्से के अंदर से ये पूरा घुस के काम शुरू कर रहा है, पोलिन वगैरह भी लेके आ रहा है ये लोग ना। बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे अभी देखिए मंदिर के सामने ये बक्स रखा हुआ है, तो इस बक्स में ये घुस गया है दोस्तों। तो अभी इसको हम निकालेंगे, वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा दोस्तों। अभी भैया रस्सी को खोल रहा है, बस मैं अपना टूच वगैरह लगा लेता हूँ दोस्तों।
सब छ। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर अभी खोल देने पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हो, ये स्पीकर के बक्स के अंदर चूहा ने भी थोड़ा बहुत यहाँ पर गंदा करके रखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। साथ में इसके अंदर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और जो भी नया व्यूअर्स हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सर अलिअलि त चिल्छ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, अभी यहाँ पर पूरा ये छोटा सा पुल था, अभी यहाँ पर पोलेन वगैरह लगाया हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। देखिए ब्रूड भी बहुत अच्छी तरीके से निकाल रहा है। तो दोनों तरफ इस तरीके से ब्रूड बना रहा है दोस्तों। तपाईँको पनि युट्युब च्यानल छ त, मोबाइल छ, सर्च गर्नु त दार्जिलिङ बी किपिङ भनेर सर्च गर्ने। दार्जिलिङ किटिङ बी किपिङ ए बी किपिङ ऊ रहेछ त पुरा। त्यसरी युट्युबमा गर्छु भनेको त म गरिदिन्थेँ नि, म त के पो। ये देख सकते हो दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से काम किया हुआ। अभी इस सारे ब्रूड को सील्ड भी किया हुआ है यहाँ पर, साथ में ऊपर पोलिन भी बहुत अच्छी तरीके से लगाया हुआ है। देखने बा जगह में एक मधुमक्खी अभी आया है, मेरे को कॉल किया है तो अभी मैं उसको
थिए तर छैन होला उडे नि है छ कहाँनिर भन्नु छ रु छ नि यहाँ यो हुल छुटेको मौर्य हो हुल छुटेको चाहिँ कहाँनिर ए अच्छा पालेकै हो तपाईँको नि चाटा नै छुटेको त्यस्तो हुन्छ बच्चाकै लागि नि आउँछ नि है मौरी मात्रै छ भने चाहिँ कसरी हाल्नु मौरी मात्रै छैन नि सजिलो नै ए हो यो चाखाहरू छ ब्रुडहरू छ कोमहरू छ भने चाहिँ साह्रो हो किनभने बच्चा पनि जोगाउनु पऱ्यो हो सबै कुरो गर्नु पऱ्यो जान्छ नि माउर कस्तो नि सबै होइन मौरीको चाखा काटेको ए चाखा हेर्नु मौरी पक्रेको मम्मी मम्मी त्यो हो मम्मी होइन के यो कसको ब्लग हेर्दैछ साइली माइली को पो भन्छ दिदी हेर्नु ब्लगहरू साइली दिदी कि के भन्छ नि हौ धेर भएको छैन हिजो अस्ति किन त त्याएको मैले छैन पोलेन चाहिँ साह्रो मजाले ओसारेको छ त पोलेन हजुर तपाईँकै गाउँमा छु के भन्नुभयो अँ त्यही मौरी निकाल्न आइरहेको छु त तपाईँहरूको गाउँमा अन्त मन्दिरमा यहाँ तल 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 के भन्छ यो गाउँ त कोपिला हलमा हौ आज आज त मेरो त एकदमै लु लकी डे भन्नु पर्यो होइन होइन आज साँच्चै त आज मेरो दिन राम्रो पनि हो आज मेरो बर्थडे पनि हो कि यहाँनिर तिनवटा छ अरे हो माथि लो चारवटा अन्त हेर्नु आज त दिनभरि मेरो त केक नकाटेर मौरीको चाखा काट्ने दिन पो भएछ आज त ए अच्छा अच्छा ओके म उसो भए कहिले आज कि भोलि हुन्छ हुन्छ ओके 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 हुन्छ दा हुन्छ म कल गर्छु नि ल यहाँ निकाल्दैछु यहाँ मौरी कि मैले नि उयसकै सो गाइस
देखिए आज तो पूरा मतलब फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है कि बहुत सारे मतलब मधुमक्खी इस एरिया में है और वो लोग भी निकालना चाह रहा है मधुमक्खी को। तो अभी ये काम ख़त्म करके फिर दूसरी जगह में मेरे को जाना है दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहे दोस्तों, और जो भी नया व्यूअर्स हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। फुट लगा तो कमती गरम होते हैं नलाउन मिलते हैं हो लगन ही पर्च फिर लाएन ढोला बनाइ इसको अभी क्वीन ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि थोड़ा यहाँ पर जगह सही नहीं है, तो क्वीन को अभी दिखा पाना मुश्किल है।
सो गाइस अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख सकते हो आप लोग, अभी सारे मधुमक्खी अंदर पक्षी के अंदर जा चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मंदिर है यहाँ सामने, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि एक मंदिर में से आज मधुमक्खी को निकाल पाया। और सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आप लोगों को सपोर्ट से। YouTube चैनल में अभी 1K प्लस हो गया है, तो थैंक यू वेरी मच। और अब तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।